दोस्तों साल 2008 में स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ शो राजा की आएगी बारात तो आप सभी ने देखी होगी, जिसमें अपनी जबरदस्त कहानी से सभी सीरियल को पीछे छोड़ते हुए अपना नाम टीआरपी की लिस्ट में नंबर वन पर दर्ज करा लिया, जिसके चलते सीरियल में जिस जिस कलाकार ने काम किया वो सब के सब काफी पॉपुलर हुए। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, इस सीरियल में जबरदस्त भूमिका निभाकर फेमस हुए वही कलाकार आज माता पिता बन गए हैं। आपके इन फेवरेट कलाकारों को आज दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया है, तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सीरियल में नजर आ चुके उन्हीं कलाकारों के प्यारे प्यारे बच्चों से मिलवाएंगे, जिसे देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। नंबर वन, अली हसन। सीरियल में भूषण का किरदार निभाने वाले अभिनेता कोई और नहीं बल्कि अली हसन थे, जिन्होंने सीरियल में एक नेगेटिव रोल निभाया और दर्शकों का खूब दिल जीता। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों की, तो इनका एक बेटा है जो कि लाइमलाइट से दूर रहता है, इसलिए हमें इनके बेटे की तस्वीरें इंटरनेट पर देखने को नहीं मिलती। पर ये कई बार इंटरव्यूज में अपने बेटे के बारे में बता चुके हैं कि वो काफी नटखट और शरारती हैं। नंबर टू, मृणाल कुलकर्णी। सीरियल में छोटी रानी का किरदार अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी ने निभाया, जिनके किरदारों को दर्शकों द्वारा बहुत पसंद किया गया। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों की, तो इनका एक बेटा है जिनका नाम है विरासत कुलकर्णी, जो दिखने में बेहद हैंडसम एंड अट्रैक्टिव है, तभी तो ये अपनी मम्मी की तरह एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, जिसके चलते ये अभी से काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इन माँ बेटे के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर थ्री, कनिका माहेश्वरी। सीरियल में राजकुमारी का किरदार निभाने वाली कनिका माहेश्वरी, जिन्होंने इस किरदार को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया और दर्शकों से खूब सराहना हासिल की। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों की, तो इनका एक क्यूट सा बेटा है जिनका नाम है रिहांश घई, जो कि अभी बहुत छोटे हैं और मम्मी के साथ अक्सर स्पॉट किए जाते हैं, जिनमें आप इनके बेटे की क्यूट सी स्माइल देख सकते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। नंबर फोर, पंकज धीर। सीरियल में मिस्टर सिसोदिया का किरदार निभाने वाले अभिनेता कोई और नहीं बल्कि पंकज धीर थे, जिन्होंने अपने जबरदस्त किरदार से हर एक शख्स का दिल जीता। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों की, तो बता दें इनके एक बेटे हैं जिनका नाम है निकेतन धीर, जिन्हें आप सभी ने बॉलीवुड की जबरदस्त फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में थंगबली के अवतार में देखा होगा, जिन्होंने अपने हर किरदार से दर्शकों का मन मोहा है। इसी के साथ आपको बता दें, पंकज धीर आज ससुर बन चुके हैं। जी हाँ, इनके बेटे निकेतन धीर ने टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस कृतिका सेंगर से शादी की है, जिनके साथ ही काफी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। नंबर फाइव, डिंपल झंगियानी। सीरियल में संध्या का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री थी डिंपल झंगियानी, जिन्होंने हर एक अंदाज से दर्शकों को दीवाना बना लिया। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अदाकारा के बच्चों की, तो बता दें कि आपकी ये फेवरेट अदाकारा अभी माँ तो नहीं बनी है, पर गुड न्यूज ये है कि ये जल्द माँ बनने वाली हैं। जी हाँ, जल्द इनके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है, जिसके बारे में अभी मीडिया में न्यूज वायरल हो रही है। नंबर सिक्स, अंजलि ओबरॉल। सीरियल में मुख्य रानी युधिष्ठिर सिसोदिया का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम है अंजलि ओबरॉल, जो कि राजकुमार की पत्नी का किरदार था, जिसे पर्दे पर पेश करके अभिनेत्री अंजलि काफी मशहूर हो गई। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों की, तो आपको जानकर हैरानी होगी, आपकी फेवरेट अदाकारा ने अभी तक शादी नहीं की है, जिसके चलते आज इनकी कोई संतान नहीं है। तो दोस्तों, आपको इन कलाकारों में से किस कलाकार के साथ उनके बच्चों की जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।